देखिए आज हम आपको मूंग की दाल से मूंगलेट बनाकर दिखाएंगे, जो बाजार से भी अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा घर पर, और इसे बच्चे और बड़े से बड़े शौक से खाते हैं। और देखिए इसमें हमने कॉर्न डाले हैं, कितने अच्छे चमक रहे हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं कॉर्न। देखिए कितना अच्छा बना है, और देखिए हमारी रेसिपी ये किस तरह से बनाया जाता है। और देखिए हमने इसके साथ सॉस के साथ खाएंगे इसे, ये हमने सॉस रखी है इसके साथ, आप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कंसल रसोई में आपका स्वागत है। देखिए आज हम आपको मूंगलेट बनाकर दिखाएंगे। देखिए हमने दाल ले ली है, ये हमने दाल 1-2 घंटे पहले भिगो कर रख दी थी, और हमने इसका पानी अच्छे से 2-3 निकाल लिए हैं। देख सकते हैं कि साफ पानी है। अब इसका हम ऊपर से पानी उतार देंगे। देखिए इस तरह से हम पानी नितारेंगे। अब इसे हम मिक्सी ग्राइंडर में बारीक पीस लेंगे। देखिए बिल्कुल साफ हमारी दाल है ये, आप इसे 4-5 पानी जरूर निकाल के साफ करें। हम इसे ग्राइंड में पीसेंगे। देखिए इस तरह से हम जार में हमने कर ली है दाल, और हम इसको ग्राइंड करेंगे बारीक। बिल्कुल बारीक दाल हमारी पिस गई है, हम इसे एक भिगोने में निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हम सारी दाल को भिगोने में निकाल लेंगे। देखिए हमने दूसरा भान भी इस तरह से पीसेंगे। देखिए इसमें हम अदरक डालेंगे, ये हमने मोटे मोटे टुकड़े कर लिए हैं इस तरह से, और हरी मिर्च भी डालेंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप अंदर ही मिक्सी में पीस लेंगे इसको। दाल को हमने इस तरह से पीस लिया है। देखिए हमारी मिर्च वाला कलर है, इसलिए कलर आ रहा है इसमें हमारा। देखिए सब दाल को हम निकाल लेंगे। बारीक पेस्ट तैयार हो गया हमारा। देखिए हमारी दाल का पेस्ट तैयार हो गया है, और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। देखिए हम 1 पिंच हल्दी डालेंगे इसमें, आधा चम्मच, और हम हींग डालेंगे इसमें अच्छे टेस्ट के लिए, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए आधे चम्मच हींग डालेंगे, और इसमें आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, आधे चम्मच जीरा डालेंगे इसमें, मिर्च डालेंगे, अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जितना तीखा खाते हैं कितना कम खाते हैं। सभी मसालों को मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से हमने मसाले मिक्स कर दिए। देखिए ये बाजार से भी हमारा अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। इसमें 2 चम्मच हम चावल का आटा डालेंगे, इससे आपका मूंगलेट करारा बनेगा और टेस्टी लगेगा खाने में। अब इसे मिक्स कर देंगे। देखिए दाल को हम आधे आधा करेंगे, आधा दूसरे बर्तन में करेंगे, आधा इस बर्तन में करेंगे। देखिए आधा हमने इसमें कर लिया है। देखिए इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, अब इसमें प्याज डालेंगे, इससे आपका मूंगलेट बहुत टेस्टी लगेगा खाने में, बिल्कुल बाजार से बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, कुछ हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे, अब इसमें स्वीट कॉर्न डालेंगे। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप बिना डाले भी बना सकते हैं। देखिए हम इनो लेंगे, हम 1/2 चम्मच इसमें इनो डालेंगे। देखिए ये वाली हमारी इनो है, इससे आपका बहुत और टेस्टी बनेगा और फ्लफी बनेगा। देखिए इसमें इनो डाल दिया हमने, 1 चम्मच पानी डालेंगे ऊपर से। देखिए इनो पे हम 1 चम्मच पानी डाल देंगे। देखिए इससे इनो हमारी अच्छे से फूल जाएगी, हम इस बैटर को अच्छे से चलाएंगे। फ्राई पैन रखेंगे गैस पे, और बिल्कुल आप धीमी रखेंगे। इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। देखिए अपनी पैन में इस तरह से हम चारों तरफ घुमाकर कोटिंग कर लेंगे बिल्कुल घी की, जिससे हमारा अच्छे से बन जाएगा। प्लेट का बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। देखिए कितना फ्लफी हो गया है, जैसे जितना आप फैटेंगे उतना अच्छा बनेगा आपका ये। देखिए अब इसमें हम डाल देंगे। इस तरह से हमने डाल दिया है इसके ऊपर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब उस पर हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे। देखिए आपको देखने में और टेस्टी लगेगा। देखिए पहले ओरिगैनो डालिए, अब हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा मूंगलेट।
अच्छे दाल में खाते हैं और आप इस तरह से बनाएंगे तो पीजे समझ के बच्चे बहुत आसानी से खा लेंगे। और देखिए किस तरह से ढक देंगे और उसे 2-3 मिनट हम सेकेंगे। देखिए मूंगलेट पकते हुए हमारे 2-3 मिनट हो गए हैं, कितना अच्छा कलर आया है, देखिए कितना अच्छा बन गया है, देख सकते हैं आप साइड से बिल्कुल गोल्डन हो गया है देखिए, और देखिए बिल्कुल हिल रहा है आसानी से। अब हम इसे पलटेंगे, देखिए इस तरह से हम, वाओ देखिए कितना अच्छा बना है, देखिए इस तरह से हम पलट देंगे, कलर देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल करारा बना है हमारा, बिल्कुल बाजार से भी हमारा घर पे बन के तैयार हो गया, कितना अच्छा। हम इसे कट करेंगे, देखिए हम इसे कट करेंगे इस तरह से, देखिए कितने आसानी से हो गया है। देखिए हमारा अमूल बटर है, हम इसके अंदर हम अमूल बटर डालेंगे जिससे हमारा अंदर तक और क्रिस्पी बनेगा और टेस्टी लगेगा। जैसे अमूल बटर डाल देंगे और अंदर तक चला जाएगा हमारा, और हम इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। देखिए हम लीड निकालेंगे इसकी, अब देखिए दोनों तरफ से हमारा बिल्कुल क्रिस्पी सिक्के तैयार हो गया है, देख सकते हैं बिल्कुल लाल। हम दूसरी तरफ भी आपको दिखाएंगे, देखिए बिल्कुल लाल दिख गया है, हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए दूसरा मूंगलेट भी हम इस तरह से सेकेंगे, देखिए इस तरह से हम देसी 2 चम्मच घी डाल दिया है और इसमें हम अपना बैटर को डालेंगे। देखिए कितना टेस्टी कितना फ्लफी हमारा मूंगलेट बनके तैयार है, देखिए आप देख सकते हैं अंदर से भी कितना अच्छा सिका है, देखिए बाजार से भी हमारा अच्छा बनके तैयार हो गया है, देखिए सारे पीसीस हमारे कितने अच्छे बने हैं एकदम टेस्टी। इस तरह का आप घर पे बनाएंगे तो सब खा जाएंगे और बाजार से तो आपको बहुत महंगा मिलेगा, इस तरह से बनाएंगे तो सब बड़े और बच्चे सब बड़े शौक से खाएंगे। और देखिए एक बार ट्राई जरूर करिए हमारी रेसिपी को और देखिए कैसे बनाया जाता है। हमारे वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करिएगा सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद।